Okay, please refer to official manual. Confirmed. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रिजवान, आप देख रहे हैं रेसिस चैनल। हमारे पास टोयोटा कैमरी गाड़ी है, इसमें देखिए चेक इंजन लाइट आ रहा है और गाड़ी ये ओवर टेम्परेचर हो रही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डायग्नोस करेंगे कि इसमें ये क्या मसला आ रहा है। इन गाड़ियों में ओवर टेम्परेचर होने का और चेक इंजन लाइट आ जाने का यही मसला होता है कि ज़्यादातर इस गाड़ी में अपना जो वाटर पम्प होता है तुरंबा मोया, उसी में फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बाकी मज़ीद अभी इसको हम चेक करते हैं। ओके, तो ये जैसे देखें इंजन में इसके ये कोड आ रहा है, फिलहाल इसको इंटर करके देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। ये देखें, प्लीज रेफर टू ऑफिशियल मैनुअल कन्फर्म्ड, जो इस कैमरे में इस मॉडल में आता है ये कोड, ठीक है। ये वाला कोड जो है अपना वाटर पंप यानी कि तुरंबा मोया, ये कोड इसका वाटर पंप का आ रहा है मसला, ठीक है। अभी इसको हमने इंशाल्लाह नया मंगवा के ये इंशाल्लाह इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इसका आगे आपको स्टेप स्टेप तरीका भी दिखाता हूँ कि कैसे खुलता है, कैसे चेंज होता है। तो इंशाल्लाह, तो सबसे पहले हमने नेगेटिव टर्मिनल इसका रिमूव कर लेना है, ठीक है। और इसका ये देखें, क्योंकि ये अल्टरनेटर भी खुलेगा इसका इधर से, तो ओके, ये देखिए अल्टरनेटर मैंने खोल लिया है और आगे से एक थोड़ा सा वो कवर था वो भी खोल दिया। और इसके 14 नंबर के बोल्ट बहुत ही ईजी होता है, इसमें इतना ये खास कोई मसला नहीं है खुलने में, ठीक है। तो ये देखें, ये वाले इस नंबर के बोल्ट आते हैं, 3 ऊपर बोल्ट होते हैं और एक बिल्कुल इसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल अभी हमने आराम से इसको बाहर निकाल लिया है। दो पैप होते पीछे से, नीचे से ये जो ये लगे हुए हैं, और ये एक फीश भी लगा रहता है, ठीक है। तो ये इसका आ गया पुराना वाला, ठीक है। ये इसकी जगह है जहाँ पे ये लगा रहता है। तो अभी इसके क्या नाम है, मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ, नया वाला, तो उसको भी हम चेक कर लेंगे, उसका नंबर भी देख लेंगे। ये नंबर होता है इसका नए पंप का, और अपना ये देखें, ये कुछ इस तरह से आता है इसका, ठीक है। तो इसका ये जो पहले वाला लगा हुआ है वो ब्लैक वाला, ये जो जिसके अंदर यानी कि थर्मोस्टेट वाल्व भी होता है, वही ये हम पुराना ही लगाएंगे क्योंकि नया नहीं आया था। तो इसको सही से चेक करके, और यहाँ पे ये जो इसका ये फेस जहाँ पे ये जिल्दे लगते हैं यानी कि रबड़ सील ओ रिंग लगता है, इसको यानी कि पेपर के साथ क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं ऑयल सा लगा रहा हूँ कि जैसे ये अपना जो रिंग होता है वो सही से बैठ जाएगा अपना, ठीक है। ये देखिए, जैसे इधर भी लगा रहा हूँ और इधर भी लगा रहा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन लगाने का ज़रूरत नहीं होता, अगर रबड़ इसके बिल्कुल नरम होते हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये वाला मैं अभी लगा दिया इसको थर्मोस्टेट वाल भी, तो अभी ये इसको अंदर लगा रहे हैं, रिप्लेस नया वाला अंदर फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको जैसे अंदर लगाएंगे तो इसका अंदर ये दो डावरन टाइप सी बनी रहती है, तो वो अंदर जब तक वो फिक्स नहीं बैठेगी तो बिल्कुल सही नहीं लगेगी। बोल्ट तो आपका लग जाएगा, जैसे अभी ये देखें मेरा बोल्ट लगा दिया था, मैंने बोल्ट लग गया था इसका, लेकिन फिर भी सही से वो नहीं बैठ रहा था। तो अभी देखना, मैं जैसे इसको हिला के थोड़ा सा दबाऊँगा तो ये बिल्कुल ईजीली सही से बैठ जाएगा। तो ये देखें, ये अभी भी नहीं बैठा सही से, बैठ गया अब ये, हाँ अब सही बैठा है तकरीबन बिल्कुल। तो ठीक है, ये वाले ये नंबर के इसके बोल्ट होते हैं 14 नंबर के, ठीक है। 3 सबसे पहले मैं ऊपर लगा लूँगा और ये एक नीचे लगा लूँगा बोल्ट, ये जो ये नीचे है यहाँ पे 14 नंबर का, ठीक है। तो ये एक पीछे से एक पैप होता है और ये यहाँ साथ में इसी के ये एक ये क्लिप लगता है, तो ये देखें, ये इसका ये क्लिप है,
ठीक है, ये इस पे लगा देंगे। और ये इंशाल्लाह ये पूरा मैंने टाइट कर दिया, और अभी ये क्लिप भी लगा देंगे। मैंने पैप भी लगा दिया, और ये बड़ा मेन हाउस क्लिप भी लगा दिया पैप वाला। और अभी लगा रहे हैं हम अपना अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर वो भी बड़ी इजीली लग जाएगा, ये देखें बिल्कुल आराम से लग गया। और इसके जो जो बोल्ट लगेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन से नंबर के बोल्ट लगते हैं। ये वाले इसके अंदर बोल्ट लगेंगे, ठीक है, एक स्टड एक बोल्ट है। और अभी ये जो इसके जितनी भी ये तारे हैं सारे मैं इनको दोबारा से रिकनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से अपनी जगह पर कनेक्टर इसको बिठा रहा हूँ, ठीक है। अभी बस लास्ट में ये मैं बेल्ट लगाऊंगा। बेल्ट लगाने के बाद मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया, ये लॉन्ग लाइफ जो टोयोटा का मारूफ पानी है, ये रेड वाला पानी, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और अभी जाके हम इसके कोड चेक करते हैं कि अंदर इसमें कोई कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई थिंक फ़िलहाल तो ये देखे बिल्कुल ज़ीरो बता रहा है, पहले क्योंकि एक नंबर यानी लिखा हुआ था रेड कलर में, यानी कि एक कोड था। तो डी टी सी एनालिसिस में जाएंगे, मैंने फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो जैसे जल्दी से वो आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िलहाल तो सही है। तो मज़ीद गाड़ी को स्टार्ट करके अभी हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह अभी गाड़ी को सलफ मारते हैं। तो ओके जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रनिंग में भी स्टार्ट है गाड़ी, ठीक है, और गाड़ी में बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक बार ये इसका ये जो गेज है, ये इसका गर्माइश इंशाल्लाह ये थोड़ा सा ऊपर जैसे जाएगा ना हरारे वाला, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और इसका फ़ैन जो है ऑटोमेटिक चलना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक एक बार चल के और फिर बंद हो जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। एसी आपने ऑन नहीं करना, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये आगे होके जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी कि आधे से कम होगा, थोड़ा नुस से कम होगा, तो तब जैसे एक बार फ़ैन चल के बंद हो जाएगा तो समझो बिल्कुल गाड़ी है तुम्हारी सही प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे आपको फिर बताता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी ये देखें इसका एक बार फ़ैन चल चुका है, ठीक है, अभी चल के ये बंद होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तकरीबन ये आधा घंटे का टाइम लगता है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रुक चुका है। तो टेम्परेचर अंदर से ये देखें ये ऐसा होता है इसका। तो ओके जी, ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।